नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी को पता चल गई होगी, यूपीएससी की तरफ से ईपीएफओ का जो पर्सनल असिस्टेंट का पीए का जो पोस्ट है 323 पोस्ट पे वैकेंसी आ चुकी है और ये फुल एंड फाइनल वैकेंसी है। इसमें अब आपको फॉर्म फिलिंग चालू कर दिया गया है और अगले 10-15 मिनट में सारे जितने आपके डाउट हैं सब कुछ मैं क्लियर करते हुए एक एक जानकारी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से देने वाला हूं कि किस प्रकार से क्या एज है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या फिर आपको तैयारी होनी चाहिए, शॉर्ट हैंड किस प्रकार का है, एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, सेंटर्स क्या होगा, आपकी पोस्टिंग क्या होगा, जॉब प्रोफाइल क्या होगा, सैलरी क्या मिलेगी, ए टू जेड कंप्लीट नॉलेज आपको मिलने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोगों ने यह देखा होगा रिक्रूटमेंट स्पेशल एडवर्टीजमेंट नंबर 51/2024 है, यूपीएससी की तरफ से है। किसके लिए है? 323 टोटल पोस्ट है और ये पर्सनल असिस्टेंट के पीए के लिए है, जिसकी जानकारी पहले भी दी गई थी। ईपीएफओ की तरफ से आपकी आई है और सबसे अच्छी बात यह है, ये तो आप रिजर्वेशन पोजीशन देख सकते हो, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो आप कोई भी बच्चा जो ग्रेजुएशन किया हो, सिंपल ग्रेजुएट बच्चा है, वो इसमें फॉर्म भर सकता है। कंडीशन बस ये है कि आपको स्टेनो की स्किल आनी चाहिए, नहीं आ रही तो सीख लीजिए। आपका एग्जाम डेट भी इसमें दे दिया है और सबसे बड़ी बात ये है कि जो एग्जाम है वो आपका जुलाई के महीने में ही है, मतलब स्टार्टिंग जुलाई में है। तो आपके पास जो मार्च का दिन बचा है, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने ये है, कुल मिला के 7 तारीख से लेकर 7 तारीख है। सब कुछ यहाँ पे पहले से डिफाइन कर दिया है। मिनिमम 18 साल आपका चाहिए और मैक्सिमम जनरल के लिए 30 साल, अगर ओबीसी के लिए 3 साल का रजिस्ट्रेशन 33, एससी एसटी 35 और पीडब्ल्यूडी आपका 40। मतलब अगर 40 साल का भी कोई बच्चा है तो यहाँ पे क्या कर सकता है, फॉर्म भर सकता है, अगर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी का है। बाकी जनरल के लिए तो 30 साल का हाई है। सैलरी बहुत अच्छी होगी, आपको इसके लिए कुछ कहना नहीं है। 7th पे कमीशन पे लेवल 7 पे आपका यहाँ पे जो सैलरी है वो आपकी बनेगी, बहुत बेहतरीन सैलरी। स्टेनो वाले बच्चे बहुत ज्यादा यहाँ पे, बहुत पहले भी बोल रहे थे कि यहाँ पे कब से स्टेनो आने लगा, मैंने जानकारी पहले भी दी थी कि भैया यहाँ पे स्टेनो पूछा जाएगा और इंग्लिश और हिंदी दोनों पूछा जाएगा। दोनों मतलब अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश से चूज करिए, हिंदी आती है तो हिंदी से, या इंग्लिश या हिंदी, मतलब दोनों का मतलब बोथ नहीं देना है आपको, इंग्लिश या हिंदी में से कोई चूज करना है। और दोनों ही आपका जो स्पीड होना चाहिए वो आपका डिक्टेशन 10 मिनट के लिए दिया जाएगा। 10 मिनट में आपको 120 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, इसका मतलब लगभग 1200 वर्ड बोलने जाएंगे। इसे आपको अपने पेन से पहले पेपर में नोट करना होगा और उसे अगले 50 मिनट में इंग्लिश वाले को ट्रांसक्रिप्ट करना होगा कंप्यूटर पे, और हिंदी वाले को 65 मिनट दिया जाएगा ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए कंप्यूटर पे। तो 15 मिनट का रिलैक्सेशन हिंदी वालों के लिए। अब आते हैं कि यहाँ पे आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या क्या कार्य आपको करना पड़ सकता है। कार्य में आपको टेकिंग डिक्टेशन एंड टाइपिंग फ्रॉम ऑफिसर कंसर्न, जिस ऑफिसर के पर्सनल असिस्टेंट आप रहोगे वो जहां पे भी किसी मीटिंग में जाएंगे तो वहां पे मीटिंग में जो बैठी बातें होती हैं उनकी बातों को आपको जल्दी जल्दी क्या होगा, स्टेनो में लिखना होगा। हैंडलिंग टेलीफोन कॉल्स ऑफ मेंबर्स एंड फील्ड ऑफिसर्स, जो भी मेंबर्स होंगे आपसे संबंधित या उस ऑफिसर से संबंधित जिससे आप क्या रहेंगे कंसर्न रहेंगे, उनके सारे फोन कॉल्स आपको रिसीव करने रहेंगे। हैंडलिंग विजिटर्स, अगर कोई विजिटर्स उनसे मिलने आता है तो आप ही बताओगे कि हाँ सर अभी बिजी हैं, अभी आप क्या करोगे, थोड़ी देर बाद मिलोगे, क्योंकि हर बड़े से बड़े जो पद होते हैं, चाहे वहां पे डीएम की बात किया जाए या किसी की बात किया जाए, ऐसे ही ईपीएफओ में भी, तो उनके लिए क्या होते हैं, एक पीए होते हैं और वो आपका क्या करते हैं, जो विजिटर्स होते हैं उनको सारी शेड्यूलिंग वही करते हैं, सारी चीजें आप ही बताओगे कि यहां पे आपको विजिटर्स को कैसे मिलना है, कैसे मिलना है, उनकी पर्ची काट के आप ही दोगे। उसके बाद मेंटेनिंग एंगेजमेंट्स, कैसे उन्हें किस मीटिंग में जाना है, क्या काम करना है वो करना होगा। प्रिपेयरिंग टूर प्रोग्राम्स, अगर उन्हें कहीं टूर प्रोग्राम पे जाना है तो वो भी आपको करना होगा। ट्रेवल अरेंजमेंट, हैंडलिंग पार्लियामेंट्री वर्क, अगर उनसे कुछ पार्लियामेंट्री वर्क है तो वो भी आप भी देखोगे। डेराइजिंग फाइल्स एंड पेपर्स, उनके जो फाइल और पेपर होंगे उनका भी आप व्यवस्था करोगे। ट्रैकिंग ऑफ फाइल्स एंड इंपॉर्टेंट पेपर्स, उनके जो इंपॉर्टेंट कागजात होते हैं वो आपकी ही जिम्मेदारी होगी। मॉनिटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, जितने भी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होंगे उनको भी मॉनिटर आपको ही करना है। तो अल्टीमेटली यहां पे पर्सनल असिस्टेंट का मतलब आपको पहले से भी पता होगा और ये बहुत ही बढ़िया जॉब होती है, एक अधिकारी की जॉब है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के, भैया अगर आप बोलो कि मुख्यमंत्री के पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ तो क्या वो छोटी बात होती है क्या? ऐसे बहुत बड़े ऑफिसर के पर्सनल असिस्टेंट, ये भी 7th पे लेवल का है, मतलब आप अपने खुद में, भले ही ये गेस्टेड अधिकारी का पोस्ट नहीं है लेकिन इसे गेस्टेड से कम मत मानिए, बहुत बेहतरीन है और आपसे शायद ज्यादा ताकतवर, क्योंकि ये बोला जाता है कि बड़े अधिकारी का जो स्टेनो होता है वही मेन अधिकारी होता है, क्योंकि लोग तो अधिकारी से डील नहीं करेंगे, लोग केवल आपसे डील करेंगे, तो
उनके लिए सबसे बड़े अधिकारी आप ही रहोगे, आप ही अधिकारी से बाकी क्या कराओगे, बात कराओगे। तो जॉब प्रोफाइल इसकी बहुत अच्छी है, ग्रुप बी लेवल की जॉब है तो आप समझ सकते हो भले ही नॉन गेस्टेड है। उसके बाद आपका हेडक्वार्टर्स इसका न्यू दिल्ली में, बट आपकी पोस्टिंग कहीं भी पूरे भारत में हो सकती है। साथ में इसमें प्रोविजन 2 साल का दिया हुआ है। और अब आते हैं कि इसमें जो नई पेंशन स्कीम है उसके हिसाब से आपकी क्या होगी, रिक्रूटमेंट होगी, ज्वाइनिंग दी जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आ जाते हैं कि 7/3 यानी कि आज से ही आपका फॉर्म फिलिंग चालू है और 27 मार्च आपका क्या है, लास्ट डेट है, क्लोजिंग है, वो भी 6 बजे। ध्यान देना कि रात के 12 बजे तक नहीं, 6 बजे ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आप लास्ट डेट के लिए मत रखिए, 20 तारीख से पहले पहले फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि आपको जल्दी से फॉर्म भरना है और फिर आपको तैयारी भी करना है और जुलाई के महीने में ही आपका क्या हो जाएगा, पेपर हो जाएगा। अब आते हैं कि यहाँ पे इसका आपका करेक्शन के लिए भी समय दिया जाएगा जो 28 मार्च से लेके और 3 अप्रैल तक होगा। यूपीएससी इसे बाद में चेंज भी कर सकती है ऐसा बोला गया है, जैसा उस पर नॉर्म्स होंगे। उसके बाद डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी, क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन, ये सारे क्या हैं, ये क्या है, ये प्रेस्क्राइब रहेंगे, इसमें चेंज क्या नहीं बोला गया है। पर्संस विद, ये पीडब्ल्यूडी के लिए, इसको मैं एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि सर पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, तो बेटा इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है पेन पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट, जो आरटी बोले हैं, रिक्रूटमेंट टेस्ट मतलब आरटी, ये पेन पेपर बेस्ड होगा मतलब ऑफलाइन पेपर होगा और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि क्या जिस दिन आपका पेपर होगा उसी दिन आपका स्किल टेस्ट होगा, तो अभी इन्होंने इस बात को ओपन नहीं किया है, बट ये पेन पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट आरटी फॉलोड बाई टेस्ट सेम डे नहीं होगा, क्योंकि स्किल टेस्ट में जो बच्चे बुलाए जाएंगे वो क्या होते हैं, वो आपके मेरिट बेस पे, जो आपने आरटी दिया, आपने प्रीलिम्स मतलब एक पेपर दिया, रिटन पेपर, रिटन पेपर में जो बच्चे क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे, मेरिट में आएंगे। कौन मेरिट में आएगा, अब ये डिपेंड करता है कि ईपीएफओ में यूपीएससी बुलाता कितने गुना है। जैसे कई जगह स्टेनों में लगभग 15 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं, तो 323 पदों पे हैं, लगभग 15 गुना बुलाए जाएंगे, तो 15 × 3 = 45, लगभग 4,500 से 5,000 बच्चे क्या होंगे, बुलाए जाएंगे। ऐसा ही आपका यूपीपीएससी में एपीएस की भर्ती पे सिमिलरली बिल्कुल ऐसा ही चला है और ऐसे ही होगा। और उसके बाद जब आपका वहां पे लगभग 5,000 बच्चे स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, उन्हें निर्धारित समय दिया जाएगा, 120 के स्पीड से उन्हें करना होगा, और अगर वहां पे भी क्लियर कर लेते हो तो आपकी नौकरी लग जाएगी, अगर आपके सारे दस्तावेज क्लियर है। दस्तावेज की वीडियो, क्या क्या दस्तावेज आपको, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो आपकी वीडियो में अलग से बना दूंगा, उसके लिए चिंता आपको नहीं करनी है। आपको यहां पर बहुत ध्यान से यह चीज सुनना है कि आपका पहले क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी, बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसे आप स्टेनो बोल सकते हो। जो आपकी मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट, वो भी आपकी क्या होगी, केवल आपका जो ये लिखित परीक्षा होगी आरटी, इसी के आधार पे होगा। आपका स्टेनो का जो रहोगा वो केवल क्वालिफाइंग है, उसमें मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा, जैसा कि अभी यूपीपीएससी एपीएस में मार्क्स जोड़ रहे हैं, बट आपका यूपीएससी ईपीएफओ में मार्क्स नहीं जुड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं कि सिलेबस और पैटर्न क्या है, तो सिलेबस इसका बहुत आसान है। सिलेबस हालांकि इन्होंने क्या किया, डिस्क्लोज नहीं किया, बट पैटर्न इन्होंने बता दिया है कि आपसे 4 चीजें पूछेंगे, 300 नंबर होगा। इन्होंने ये भी नहीं बताया कि एक सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन का पूछा जाएगा, बट इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो 300 नंबर का आपका पेपर होगा। ये हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपका 1/3 है तो 0.33 नेगेटिव होगा, मतलब एक क्वेश्चन आपका एक नंबर का होगा। तो 300 नंबर आपसे क्या हो सकता है, 300 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 300 क्वेश्चन को अगर 4 में डिवाइड किया जाए तो 75-75 क्वेश्चन होंगे, मतलब एक सब्जेक्ट के आपके 75-75 क्वेश्चन हो सकते हैं। जनरली ऐसे में इंग्लिश का रोल ज्यादा होता है, कई बार इंग्लिश का वेटेज बढ़ सकता है, तो इन्होंने क्योंकि ओपन नहीं किया है तो हम इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 75-75 या चांस ऐसे भी हो सकता है कि 100 क्वेश्चन केवल आपका इंग्लिश हो जाए और बाकी आपका 200 क्वेश्चन में ये 3 पार्ट नहीं, या जैसे भी वो करें 150 क्वेश्चन इंग्लिश का, बाकी 3 पार्ट में 50-50 3 पार्ट करें, बट वो क्या करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है जनरल अवेयरनेस का भी पार्ट बढ़ा दिया जाए, क्वांट और रीजनिंग का पार्ट थोड़ा सा कम रहेगा। ध्यान देना, इन्होंने कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी रीजनिंग के साथ लिखा है, तो रीजनिंग और कंप्यूटर ये आपको करना रहेगा। ये दोनों ही पार्ट आपको आशीष सर बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, क्वांट आपको मैं खुद पढ़ा रहा हूं, जनरल अवेयरनेस आपके डिफरेंट जो टीम है, बहुत अच्छी टीम आपको जीएस के लिए मैं दूंगा, जिसमें आपके विभिन्न टीचर होंगे, और इंग्लिश आपको सर्वेश सर बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे होंगे, जीएस का मेन कमांड जो आपका उठा रहे होंगे वो रमन सर उठा रहे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएंगे। तो ये आपका क्या रहेगा, ये 4 टॉपिक से पूछा जाएगा। इन्होंने क्या बोला है कि नेगेटिव इसमें है, और पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर क्या है, 1/3 होगा, 1/3 को इन्होंने आगे लिखा है 0.33, इसका मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का होने वाला है, जैसा कि इसमें है 2 घंटे का पेपर होगा, तो 300 क्वेश्चन को 2 घंटे में करने के लिए, इसका मतलब पेपर का लेवल बहुत लेंदी नहीं बनाएंगे, पेपर का लेवल क्योंकि मैथ्स रीजनिंग कंप्यूटर भी है, तो जीएस और इंग्लिश को थोड़ा सा वन लाइनर अप्रोच में देंगे। ये आपका यूपीएससी मत सोचिएगा कि यूपीएससी अप्रोच पे बड़ा बड़ा क्वेश्चन देंगे, भले यूपीएससी कंडक्ट करा रही है, बट ये ईपीएफओ को दिमाग में रख के आप अपनी तैयारी करोगे। और
ऑल क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के होंगे, टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव होगा और मल्टीपल चॉइस होगा, और इंग्लिश और हिंदी भाषा में आपका ये पूछा जाएगा। अब वेटेज क्या होगा, 300 मार्क्स होंगे 100%, मतलब इसी के आधार पे फाइनल मेरिट भी बननी है। स्किल टेस्ट मैंडेटरी है लेकिन क्वालिफाइंग रहेगा जैसा मैंने आपको बता दिया, और आपको जब पेपर भर फॉर्म भर रहे होगे तभी आपको चूज करना होगा कि आप स्टेनो हिंदी में चूज करोगे या इंग्लिश, तो पहले से डिसाइड कर लीजिएगा, बाद के लिए इसे मत रखिएगा क्योंकि बाद में कोई ऑप्शन नहीं आएगा। बाकी जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड इन द स्किल टेस्ट है, रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनियन यूपीएससी जो दिया है, फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन द केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। ठीक है, अब आते हैं सेंटर्स, आपका ये सारे सेंटर्स है, यहां आपको ऑल ओवर इंडिया आपको क्या दिया गया, सेंटर दिया गया है। जो एग्जाम की डेट है वो 7 जुलाई 2024, ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज है कि आपके पास केवल 3 से 4 महीना मिल रहा है, तो एक बड़ा सिलेबस आपको कवर करना है। आपको अभी से तैयारी, मतलब वेट नहीं करना है, आपको तुरंत तैयारी स्टार्ट कर देनी है, और टीम परीक्षा प्लस इसके लिए बहुत बेहतरीन कोर्स मिला रही है जो मिनिमम शुल्क मिलाएगी आपको रात से ही, या हो सकता है कल को सुबह का ईपीएफओ पीए का आपको कोर्स दिख जाए परीक्षा प्लस ऐप पे। परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और अब गूगल प्ले स्टोर पर जाकर परीक्षा प्लस सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, अगर आपके फोन में ऐप नहीं है। अगर फोन में ऐप है तो आप अपने पेड कोर्सेज में जाएंगे, वहां पे सबसे ऊपर आपको यूपीएससी ईपीएफओ पीए का कोर्स दिखेगा, मिनिमम शुल्क में दिखेगा, और इन चारों को कवर कर देंगे। और हम इसी मंडे से, कहने का मतलब 11 मार्च से आपकी क्लासेस भी प्रारंभ कर देंगे, देर नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमें ही समय कम मिला है आपकी तैयारी कराने के लिए। अब आते हैं कि यहां पे फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट बेसिस पे आपका, जैसे आप जितना जल्दी अप्लाई कर दोगे आपका मन माफिक सेंटर मिलेगा, इसलिए देर मत करो, फॉर्म तुरंत भर दो, आप लास्ट के लिए मत रखो, क्योंकि जब आप जितने जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दोगे उतना ही नजदीक आपका सेंटर मिलेगा, जो आप चूज करोगे वैसा सेंटर मिलेगा। बाद में सेंटर इधर उधर आपको उठा के फेंक भी सकता है, पता लगे आपको कहीं साउथ, अगर नॉर्थ के हो साउथ में फेंक दिया, साउथ के हो नॉर्थ में फेंक दिया, तो फिर आपको केवल ट्रेवल के लिए ही पूरा 15 दिन बर्बाद कर दोगे उससे सोचने में, और फिर ट्रेवल करने में कि हम एग्जाम कैसे दें। बाकी सारी चीजें कॉमन है, इसको मैं एक-एक करके एक-एक नॉलेज आपको अलग वीडियो में बना दूंगा, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, ये सब कॉमन सी चीजें हैं। आते हैं इसमें नोट क्या है कि आफ्टर रिजल्ट ऑफ द रिटन रिक्रूटमेंट टेस्ट रिजल्ट द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड अ लिंक टू फिल अप द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। जब आपका ये जो आरटी है, जो आपका रिटन टेस्ट है, वो जब हो जाएगा तो आपको दोबारा जो बच्चे क्वालिफाइड होंगे उनके एक फॉर्म और भरना पड़ेगा स्किल टेस्ट के लिए, जिसे डीए बोला गया है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि फॉर्म की फीस केवल 25 रुपए, तो इस कारण से ये हो सकता है कि फॉर्म के आवेदन, क्योंकि शुल्क बहुत कम लिया जा रहा है, और खासकर अगर देखा जाए तो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए तो निःशुल्क ही है, मतलब केवल जनरल ओबीसी और फीमेल ये जो आपको और ईडब्ल्यूएस वाले जो पैसा देंगे वो केवल 25 रुपए देंगे, ये बहुत ही छोटा शुल्क होता है, इस कारण से नंबर ऑफ फॉर्म्स ज्यादा आने के क्या है यहां पे चांसेस हैं। तो अपना कंपटीशन आज ही समझते हुए चलना। उसके बाद ये सारी चीजें आपका कॉमन है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, वो मैं एक वीडियो आपको बना दूंगा कि आखिर इसके फॉर्म कैसे भरे, कि छोटी छोटी आपसे गलतियां ना हो। और इसमें मेरे ख्याल से मैंने जो इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं वो आपको बता दिया है। अब एक चीज समझना कि इसमें यह कहीं नहीं दिया है कि आपका ना ही आपका कहीं सिलेबस ओपन करके दिया है, और ना ही आपका टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये दिया है, तो इसके लिए एक जो एक्सपेक्टेड हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया है। प्लस फिर भी मैं इसको कंप्लीट जो जानकारी है जो भी मुझसे कलेक्ट हो सकता है, जो भी मैं इधर उधर से कलेक्ट करके या फिर इन्हें मेल करके आरटीआई लगा के पूछ सकता हूं, वो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। इस कारण से आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आपको सारी चीजें यहां पे पता चलती रहे। तो ये वही सारी चीजें क्या किए हैं, दोबारा किए हैं, इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत समय आपका चला जाएगा, और इसीलिए इस शॉर्ट वीडियो में जो 10 से 12 मिनट का मेरा अप्रोच था कि आपको ये सारी चीजें बता दिया जाए, आपको लगभग एक एक चीज यहां पे क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। तो पेपर ऑफलाइन होगा, 18 से 30 साल का बच्चा भर सकता है, 3 साल जो आपका ओबीसी के लिए, 5 साल एससी एसटी के लिए, और आपका 10 साल पीडब्ल्यूडी के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। महिलाओं के लिए कोई अलग से रिलैक्सेशन नहीं है। ऑफलाइन बेस्ड आपका पेपर होगा, 7 जुलाई को पेपर होगा, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें केवल 4 चीज पूछा जाएगा। ग्रेजुएशन केवल आप हो तो आपसे क्वांट, रीजनिंग कंप्यूटर एक ही में पूछा जाएगा, और उसके बाद आपका जीएस और इंग्लिश पूछा जाएगा। तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आप ऐसे बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी परीक्षा प्लस से स्टेनो के संबंधित कोर्स से, जैसे एपीएस हो गया, यूपीएसआई स्टेनो हो गया, इनसे जुड़े हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है। आप मैथ्स पढ़ोगे ही, रीजनिंग पढ़ोगे ही, जीएस पढ़ोगे ही, आप कंप्यूटर पढ़ोगे ही, आपको केवल जो इधर है इंग्लिश अलग से पढ़ना है, तो वो उसकी जिम्मेदारी तो मैं ले रहा हूं। आपको सारी चीजें पढ़ा दी जाएगी और बहुत मिनिमम फीस में बहुत अच्छी तैयारी करवाई जानी है। तो बिल्कुल आप लोग लेट मत करिए, अभी तुरंत ही पहले फॉर्म भरिए,
कोर्स से जुड़िए और अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपके अगर इसके अतिरिक्त कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आपका मोस्ट वेलकम है, आप वहां पे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं मुझसे। अगर कुछ भी छूट गया हो तो आप कमेंट करिए, मैं उसके सारे उत्तर आपको क्या करूंगा एक एक करके आपको मैं देता रहूंगा, छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा, कमेंट में रिप्लाई करता रहूंगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।